ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है, आपका पुराना साथी रेडियो सिलोन। श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है, शॉर्टवेव 25 मीटर बैंड में 11905 और 41 मीटर बैंड में 7190 किलोहर्ट्ज़ पर। आप सभी को ज्योति परमार का प्यार भर नमस्कार। आज के दिन में हमें तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं मंजुले माडवाला। आज शनिवार का दिन है और सितंबर महीने की 15 तारीख। इस समय सुबह के 6:45 हुए हैं। हम आरम्भ करते हैं आज की सुबह की सभा को। सुबह के 7:31 हुए हैं। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है और अब आपकी सेवा में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम पुरानी फिल्मों का संगीत। आज के प्रोग्राम के प्रारंभ में हम बेशक आपको गाने तो सुनवाएंगे ही, लेकिन एक सवाल के साथ हम प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं। और हो सके तो बताइएगा कि वो कौन सी फिल्म थी। बताइएगा नहीं, अनुमान लगाइएगा, जिसे कमाल अमरोही एक नामी गिरामी निर्देशक बने थे और अशोक कुमार ने अपने तेज रफ्तार में डायलॉग बोलने की स्टाइल छोड़कर एक नई शैली इजाद की थी। और भी बहुत सी विशेषताएं हैं इस फिल्म की, लेकिन अगर वो विशेषताएं आपको बताई गई तो आप बड़ी आसानी से फिल्म का नाम जो है बता सकते हैं। तो अनुमान लगाइएगा इस फिल्म के बारे में। तब तक ये गजल सुनिए फिल्म मिर्जा गालिब से, जो सन 1954 में आई थी और जिसे सुरैया की लाजवाब अदाकारी के लिए आज भी लोग उन्हें याद किया करते हैं। बन जाए
आपने ये अभी ये गजल आपको सुनाई गई सुरीली की आवाज में, गालिब की गजल थी फिल्म मिर्जा गालिब से, जिसके संगीतकार थे गुलाम मोहम्मद। आज के दिन नायिका स्वर्गीय मीना शौरी को याद करने का दिन है। आज उनकी पुण्यतिथि है। सन 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने 26 साल के उनके फिल्मी कैरियर में कई फिल्मों में काम किया। श्रीमती 420, आग का दरिया, एक थी लड़की आदि। स्वर्गीय मीना शौरी और मोतीलाल पर फिल्माया गया ये गाना हमने तैयार किया है फिल्म एक थी लड़की से। और ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि उन्हें लारे लप्पा गर्ल के नाम से पुकारा जाने लगा। लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। हो दे कर झूठे नारे, हो दे कर झूठे नारे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बापू जी की पातिराली, बापू जी की पातिराली, दिल की खाली जेब खाली, दिल की खाली जेब खाली, तो फिर भी अकड़ दिखाए, तो बाबूजी फिर भी अकड़ दिखाए, तो बाबूजी समझ ना आए रे। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, जा लेन देन पर खाक मोहब्बत का बड़े फरमा गए हैं। लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक बड़े फरमा गए हैं। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, 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 लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। ओ दे कर झूठे नारे, ओ दे कर झूठे नारे, ओ दे कर झूठे नारे। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा
जेंटलमैन रहते हैं हर दम बेचैन, खाली जेब मटकते नैन, खाली जेब मटकते नैन, काम करे ना काज, काम करे ना काज, फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, समझ ना आए रे, लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा हड्डी टप्पा लाई रखदा, लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा हड्डी टप्पा लाई रखदा। आजकल की नारियां, आजकल की नारियां हैं मुक्त की बीमारियां, बीमारियां रात दिन मर्दों से लड़ने की करें तैयारियां, तैयारियां काम कुछ करती नहीं और बांधती है साड़ियां, काम कुछ करती नहीं और बांधती है साड़ियां, लारा लप्पा रख दे, हड्डी टप्पा लाई रख दे, लारा लप्पा लाई रख दा, हड्डी टप्पा लाई रख दा, फिक्र क्यों करते हो साहेब, ये भी कर दिखलाएंगे, ये भी कर दिखलाएंगे, वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे, वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे। तो एक और गीत हमने स्वर्गीय मिनी शौरी की याद में तैयार किया है, फिल्म मिस 56 का ये गाना है। बंटवारे के 9 साल बाद लाहौर में इस फिल्म का निर्माण हुआ था, जिसके निर्माता थे जेसी आनंद, निर्देशक रूप कुमार शौरी और नायिका मीरा मीना शौरी इस फिल्म के लिए मुंबई से ही गए थे और ये फिल्म गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर मिसेस 55 से प्रेरित थी। फिल्म की कामयाबी के बाद मीना शौरी वहीं रह गई थी और उनके पति रूप किशोर शौरी वापस भारत आ गए थे। और एक और इनके बारे में बहुत ही खास जानकारी है कि उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम हुसैन सुहरावर्दी ने, जो मीना शौरी पर फिदा थे, उन्होंने ही मीना शौरी को पाकिस्तान की नागरिकता दिलवाई थी। एक बात सुनाती हूँ किसी से ना कहना। एक बात सुनाती हूँ किसी से ना कहना। कहते शर्माती हूँ किसी से ना कहना। एक बात सुनाती हूँ किसी से ना कहना। तुम सामने आते हो दिल में यूं होता है, तुम सामने आते हो दिल में यूं होता है, तुम दूर चले जाते हो दिल भड़क भड़क रोता है, और मैं घबराती हूँ किसी से ना कहना। एक बात सुनाती हूँ किसी से ना कहना। मेरी रातों की नदियाँ और दिन का चैन गया, मेरी रातों की नदियाँ
चैन गया, मुझे साफ साफ बतला दो किस रोग का नाम है क्या। तुम्हें कसम दिलाती हूँ किसी से ना कहना, किसी से ना कहना। एक बात सुनाती हूँ किसी से ना कहना, किसी से ना कहना। ये प्यार तो नहीं होता जो सर को हिलाते हैं, ये प्यार तो नहीं होता जो सर को हिलाते हैं। दुनिया की निगाहों में दीवाना बना दे है। लो नब्ज दिखाती हूँ किसी से ना कहना, किसी से ना कहना। कहते शर्माती हूँ किसी से ना कहना, ना कहना। एक बात सुनाती हूँ किसी से ना कहना, किसी से ना कहना। एक बात सुनाती हूँ किसी से। और इस समय सुबह के 7:50 हुए हैं। कार्यक्रम पुरानी फिल्मों का संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं। एक गाना हमने तैयार किया है फिल्म आंधिया से। उस्ताद अली अकबर खां साहब के संगीत ने यह फिल्म बनी थी और जिसमें जयदेव साहब ने असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। गाना सुनिए हेमंत कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं पंडित नरेंद्र शर्मा। वो सूरत दिल पे नहीं जाती, हाँ वो
गांधिया फिल्म से ये गाना था। तो कार्यक्रम के प्रारंभ में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, बस अनुमान लगाने की बात हमने आपसे कही थी। सवाल था कि वो कौन सी फिल्म है जिससे कमाल अमरोही एक नामी गिरामी निर्देशक बने थे और अशोक कुमार ने अपने तेज रफ्तार में डायलॉग बोलने की स्टाइल छोड़कर एक नई शैली ईजाद की थी। तो फिल्म है महल। महल फिल्म की हालांकि बहुत सी विशेषताएं हैं जिसके बारे में हमने समय समय पर आपको बताया। एक और विशेष बात जो इस अवसर पर मैं बताना जरूरी समझती हूं कि इस फिल्म की नायिका थी मधुबाला और मधुबाला वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन के रूप में मशहूर हुई थी इस फिल्म के जरिए। तो इसी फिल्म का गाना अब हमने तैयार किया है। लता मंगेशकर इसे गा रही हैं, संगीतकार हैं खेमचंद प्रकाश, गीतकार हैं जे नक्षब। गाना आपको फिल्म महल से लता मंगेशकर की आवाज में सुनवाया गया। फिल्म हाउस निका चोर से यह अगला गाना सुनिए। संध्या मुखर्जी और शंकर दास गुप्ता इस गाने को गा रहे हैं। संगीत बुलुसी रानी का है। बुलुसी रानी जो एक बेहद अच्छे गायक भी थे और उन्होंने इकरार, मेहमान, बांसुरी, चिराग आदि कई फिल्मों में गाने भी गाए। तो उनके संगीत निर्देशन में ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जिसके गीतकार हैं राजा मेहदी अली खान। धीरे धीरे दिल में समा, धीरे धीरे दिल में समा।
एक लिए कह रही है, चुपके चुपके आंखें मिला, दिल की धड़कन ये कह रही है, दिल की धड़कन ये कह रही है, धीरे धीरे दिल में समा। एक इशारा कर दो तो ला दूं, एक इशारा कर दो तो ला दूं, आत्मा के ये सितारे, आत्मा के ये सितारे। कहो तो चुन चुन के उल्फत की कलियां, कहो तो चुन चुन के उल्फत की कलियां, हार पहना दूं गले तुम्हारे, हार पहना दूं गले तुम्हारे, थोड़ी थोड़ी उल्फत जता, थोड़ी थोड़ी उल्फत जता, दिल की धड़कन ये कह रही है, दिल की धड़कन ये कह रही है, चुपके चुपके आंखें मिला, धीरे धीरे दिल में समा। ऐसी बातें लव पे ना, ऐसी बातें लव पे ना, दिल की धड़कन ये कह रही है, दिल की धड़कन ये कह रही है, चुपके चुपके आंखें मिला, धीरे 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 दिल में समा, समा। और अब प्रोग्राम के अंत में चंडीदास फिल्म का गाना सुनिए, जो 1934 में रिलीज हुई थी और स्वर्गीय कुमार सहगल को सही मायने में पहचान इसी फिल्म के गानों से मिली थी। संगीतकार हैं आरसी बोराल। देना बे रहा तो रावे, देना बे रहा तो रावे, कहते आवे मोहे तर नैना
करे। रात कटे दिन गिन के तारे, ढूंढत नैना तारे। आव सुनावे मन के बाती, आव सुनावे मन के बाती, मधुरा इसके साथ ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों का संगीत समाप्त होता है।